यूरोप में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हालात व्हाइट इमरजेंसी जैसे हैं। हर तरफ बस सफेद आफत अपना कहर बरपा रही है। जहां पूरे यूरोप में सफेद आफत ने अपना कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच स्विट्जरलैंड में तो अलग ही घटना सामने आई है। यहां स्विस एल्प्स के सेंटिस होटल में 30 मीटर चौड़ा बर्फ का तूफान होटल की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। यह घटना उस वक्त हुई जब लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। हिमस्खलन की बर्फ होटल के गेट और खिड़कियों को तोड़ते हुए रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। इस घटना में 25 से ज्यादा गाड़ियां बर्फ में दब गईं, जबकि 3 लोग घायल हो गए। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव दल को बुलाना पड़ा। स्विट्जरलैंड में अब तक 30 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बर्फ की वजह से हुए हादसों में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रिया में बर्फबारी और तूफान के कारण कई इलाकों में 2 मीटर मोटी बर्फ जमा हो गई है। ग्रीस भीषण बर्बादी से परेशान है। फ्लोरिडा में पारा रिकॉर्ड -23 डिग्री तक लुढ़क गया है।